हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बनारस से कैथिव गांव, जहां मार्कंडे महादेव मंदिर है, वहां के नज़ारे दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अभी हमें बनारस रेलवे स्टेशन के पास संभीम लाटारा रोड पे, और ऊपर आप देख सकते हैं ये है मरवाड़ी आरोबी। ये रास्ता आपको वाराणसी से प्रयागराज तक जाता है। मोस्टली जो बस होती हैं यहाँ से बनारस से चलती हैं, इसी रूट से प्रयागराज जाया करती हैं। दोस्तों, आप ये जो ओवरब्रिज देख रहे हैं, ये वाराणसी कैंट का ओवरब्रिज है, जिसको अच्छी तरीके से कलर करके इस पर पेंटिंग्स भी बनाई गई है। और आप सामने ये देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन स्टेशन है। दोस्तों, इसी स्टेशन के बाहर आपको बस स्टेशन में मिल जाएगा, जिसका नाम चौधरी चरण सिंह है, जहाँ से आप अपने गंतव्य की बस पकड़ सकते हैं। दोस्तों, ये जो जर्नी होने वाली है ये लगभग 35 किलोमीटर की है, इसको कवर करने में हमें 45 से 50 मिनट लग सकते हैं। दोस्तों, हम चौका घाट पुल के नीचे से नदेसर की ओर आ चुके हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ये है ताज होटल, जो कि एक 5-स्टार होटल है, और यहाँ से कैंटोनमेंट का एरिया चालू हो जाता है। इसी कैंपस में आपको GHC मॉल मिल जाएगा, और सामने आप दूरदर्शन टावर भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो एरिया है ये यहाँ के पॉश इलाकों में गिना जाता है। पॉश इलाके में होने के कारण इस एरिया में जितने भी होटल्स हैं उनके रेट्स बहुत ही हाई रहते हैं। दोस्तों, इस समय हम वरना पुल पे आ गए हैं, और नीचे से वरना नदी बह रही है, और आपको तो पता ही होगा वाराणसी का जो नाम पड़ा है वो वरना और अस्सी नदी के नाम पर ही पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं वरना का कितना महत्व है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मैदान है, जहां पे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम पांडेपुर पहाड़िया रोड पे हैं, और यहां पे आप पानी की टंकी देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पेंटिंग्स की गई हैं उस पर। दोस्तों, इस समय हम पहाड़िया मंडी पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर गेट नंबर 2 लिखा हुआ है। दोस्तों, नीचे आप जो चौराहा देख रहे हैं वो आशापुर चौराहा है, जो कि सारनाथ तक को जाता है। अगर दोस्तों आपको सारनाथ जाना हो तो पहाड़िया मंडी वाला रास्ता लेकर यहाँ से आप लेफ्ट ले लीजिएगा। दोस्तों, इस समय हम नेशनल हाईवे 31 पर आ चुके हैं। इस रूट को वाराणसी गाजीपुर मार्ग भी कहते हैं, और आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं यहाँ पे। किसी भी शहर के विकास के लिए वहाँ की रोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड्स कितनी ज़्यादा अच्छी बना दी गई हैं, जो कि पहले समय में ऐसे नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यही रास्ता आपको चौबेपुर, गोरखपुर और गाजीपुर ले जाता है। दोस्तों, इसी रूट पे आगे चलते हुए हमने रिंग रोड, चौबेपुर और उमराहा बाज़ार क्रॉस किए, उसके बाद राइट टर्न ले लिए। मैं आपको गूगल मैप का स्क्रीनशॉट डाल के दिखा देता हूँ कि कहाँ से टर्न लिया हमने। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना ही लाजवाब लग रहा है। हरे भरे खेत और नीला आसमान और ये काली रोड, सब कॉम्बिनेशन बेस्ट है एकदम देखने के लिए। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सरसों के खेत भी हैं, जो कि हवा चलने पर लहरा रहे हैं। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दुकान से लगे हुए हैं, और ये लेफ्ट साइड में पार्किंग भी है जहाँ हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। दोस्तों, ये रास्ता मार्कंडेय महादेव मंदिर के लिए जा रहा है, और आप देख सकते हैं रास्ते में दोनों साइड दुकानें भी लगी हुई हैं, जहाँ पर आपको खाने पीने के साथ साथ बच्चों के खिलौने और पूजा सामग्री भी मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। लोग यहाँ पे जलपान कर रहे हैं।
ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये मंदिर का मेन कॉरिडोर है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे, और कॉरिडोर को भी डिवाइड किया गया है। एक तरफ आने का रास्ता है, एक तरफ जाने का रास्ता है, और दोनों तरफ दुकानें भी हैं जहाँ पे आपको खिलौने पूजा सामग्री दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से कुछ ही मीटर्स दूर है मार्कंडेय महादेव मंदिर का गेट, जैसा कि मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पहली झलक आप इस मंदिर के गेट की देख सकते हैं, मार्कंडेय महादेव ऊपर लिखा भी हुआ है। और गेट के बगल में ही आपको जूता चप्पल रखने के लिए स्टैंड भी बनाया गया है। पहले तो मुझे लगा कि मंदिर में कैमराज अलाउ नहीं होंगे, मोबाइल फ़ोन्स, पर बाद में पता चला कि अलाउ हैं। तो चलिए दोस्तों अब अंदर से आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों मार्कंडेय महादेव मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर यमराज को भी हारना पड़ा। चलिए इसकी आपको कहानी बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि यमराज को भी हारना पड़ गया था यहाँ पर। कहा जाता है कि बहुत साल पहले किसी व्यक्ति ने ऋषि एवं उनके पत्नी पर व्यंग कर दिया कि बगैर पुत्र उनका परिवार आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इससे आहत होकर ऋषि दंपत्ति विंध्याचल चले गए, जहाँ पर उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की। तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि स्वयं महादेव ही उनके भाग्य को बदल सकते हैं। इसके बाद ये ऋषि कैथी गांव आ गए। वहाँ उन्होंने कई सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र होगा, पर वो सिर्फ 12 साल तक ही जीवित रहेगा। तो इसके बाद मार्कंडेय जी का जन्म हुआ। जब मार्कंडेय जी को उनकी उम्र पता चली तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की। तब से इस मंदिर का नाम मार्कंडेय महादेव मंदिर पड़ गया। तब से ही ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान की वंदना करने से वे अकाल मृत्यु का संकट टाल देते हैं और भक्त को दीर्घायु का वरदान देते हैं। इसलिए यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि यह ऐसी जगह है जहाँ यमराज को भी हारना पड़ा। दोस्तों ये मंदिर कैथी गांव में है, जहाँ पर गंगा गोमती का संगम भी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको गंगा घाट का व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।